क्या बात कर रहे थे? हम आप फिल्म की मेरे से बात कर रही थी, तो मैं कह रही थी कि मतलब क्रिएटिव थिंकिंग भी हो सकती है, सेट्स भी हो सकते हैं. एंड दैट रिमाइंड्स मी कि ये जो अमेजिंग सा आप प्रोग्राम देखते हैं, ये हमेशा ये कोई सेट शेट नहीं लगा हुआ, ये खावर साहब का अपना घर है और ये शौक है. सो टेल मी व्हाट इज दिस बैश ऑफ लवली कलर्स एंड स्टोन्स एंड एवरीथिंग, बहुत शौक है आपको? नहीं नैटी, मैं तो बेसिकली बहुत सादा तबीयत का बंदा हूँ, और एक दफ़ा ये हुआ कि मैं 3-4 साल से वही मिनिमलिस्टिक लुक, जेन लुक, बेयर वॉल्स. तो मैं एक दिन सो के उठा तो मुझे लगा जैसे मैं कहीं क्लिनिक में लेटा हूँ. तो मैंने कहा नहीं, बहुत हो गया, जिंदगी में कलर भी आना चाहिए. मैंने कोई बाल्टी कलर्स के पकड़े, चारों तरफ बिखेर दिया और यहीं से चीज़ें उठा उठा के जमा करता गया. और फिर यू नो कारपेंटर पकड़े, पॉलिश करने वाले पकड़े, अपने जितने मेरे स्किल वाले लोग थे उनको पकड़ के जो तोड़ फोड़ शुरू की. नाउ इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस. मुझे लगता है कि जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होती मैं जिंदा होती रहेगी, मैं जिंदा हूँ. तो मैं इसको चेंज करता जाऊँगा. जिंदगी में चेंजेस बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एक दफ़ा माहौल चेंज करने से आप चेंज हो जाते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होता है. आपका सराउंडिंग्स जो है वो आपको बड़ा इंटीरियर का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत शौक है इंटीरियर्स का. बट मतलब आई एम वेरी एक अंडरस्टेटेड वे में, बट हाँ शौक है बहुत ज़्यादा. लेकिन आपके यहाँ तो फर्नीचर भी जो है ना वो आपने खुद ही डिज़ाइन किया हुआ है और खुद ही कर, मतलब अगर किसी ने पूछना हो ना कि ये टेबल कहाँ से लिए, हमने भी लेनी है, तो कहीं से नहीं मिलेगी, यहीं से मिलेगी, ऑर्डर कर ले आके, यही हो सकता है. मेरे असल में गिराज में इतनी चीज़ें पड़ी होती थी, मैं उनको तोड़ फोड़ के कुछ ठीक कर लेता, कुछ बाजार से पुरानी चीज़ें ला के उनको नया कर लेता था. मसलन जैसे ये सवाद का एक दीवान है, ब्यूटीफुल, और ये कोई बहुत पुराना था, उसको मैंने फिर नया करके लिया. फिर ये कोई लकड़ बची तो उससे ये बना दिया, कुछ ये कहीं से ले लिया. मतलब हमारे मुल्क में बहुत चीजें, सिर्फ दिमाग ही बात है ना, दिमाग यूज़ दिमाग क्रिएटिविटी की देर है. और फिर मतलब कि एंड आई लव पाम ट्रीज, और मैंने फिर खूब ये जो आपका बहुत अच्छा पूल साइड एरिया इज ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा एक ग्रैंड सा इफेक्ट आता है. जी बिल्कुल, वेरी 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 इटालियन होम काइंड ऑफ एन इफेक्ट, आई मीन इन पाकिस्तान, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. अगर कोई लड़की तुम्हारे मियां को लाइन मारे फिर बस मियाँ वापस लाइन ना मारे, बाकी खैर है. लड़की को अलाउड है मियाँ वापस लाइन ना मारे, मार ले लेकिन मजे मजे में मार ले, फ्लर्टी वे में मार ले. जिस दिन मैंने कहा सीरियस है मैं बोलूंगी अच्छा यार यही था किस्मत में, ठीक है. वो कहते हैं ना, इफ यू लव समवन यू लेट देम गो, यू सेट देम फ्री, इफ दे कम बैक दे वर मेंट टू बी योर्स, एंड इफ दे डोंट, इफ दे, देखिए ईजी नहीं है, ईजी तो कभी भी नहीं होगा. रोंगी धोंगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, अपसेट भी हो जाऊंगी, सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग. लेकिन एग्जैक्टली आपने मेरे लफ्ज छीन लिए ना, मैं मरूंगी नहीं, कोई किसी के बगैर मर नहीं जाता, दैट्स द होल प्रॉब्लम. अल्लाह मैं कभी भी इतनी पेन नहीं देता कि आपसे बर्दाश्त ना हो, तो वो भी बर्दाश्त कर लेते. अच्छा कभी ऐसा हो कि कुछ ऐसे लम्हे आ गए हो कि तुम कहती बस बहुत हो गया और रोना शुरू कर दिया? हाँ होता है कई दफ़ा होता है, बिल्कुल होता है कि इमोशनल ब्रेक डाउन हर एक को होता है. तो फिर आई टेक इट आउट कई दफ़ा यूजली मेकअप उतारते हुए, कई दफ़ा अगर रोना होना तो बड़ा इजी होता है क्योंकि पता नहीं चलता वो आंसू है या मेकअप है. बट हाँ इमोशनल ब्रेक डाउन अगर मैं कहाँ ओह मुझे तो कभी भी नहीं होता, आई वुड बी फेक एंड आई वुड बी लाइंग, होता है ज़रूर होता है. आई थिंक सारे नॉर्मल लोगों को होता है यार, जो अब नॉर्मल है उनको नहीं होता. सो इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लिविंग, एंड I think it's amazing. हमारे यहाँ औरतें एज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? अब करना शुरू हो गई हैं. अब पता है क्या, अब इतना हॉलीवुड और आप वहाँ की जब एक्ट्रेसेस को देखते हैं, यू नो दे टेक एज सो वेल, ठीक है मेन रोल से कैरेक्टर रोल्स में आ गई, वट एवर दे जितनी भी लीडिंग लेडीज ऑफ हॉलीवुड है, बॉलीवुड के बारे में कहूँगी वो बिल्कुल एज वो भी नहीं ले सकते अभी तक, उनको भी एक वो देसी पने में है वो एक थोड़ी सी चीज़. जब हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमेशा वो अपने आप को एक लड़की का तसव्वुर देके इंट्रोड्यूस करवाती हैं. बिल्कुल, और वो आप देख रहे होते हैं व्हाट इज दिस, एग्जैक्टली आई डोंट नो, इस तरह होना नहीं चाहिए बट है, और हम सब में है किसी हद तक, मेरे में भी है, हर औरत में ये होता है. ये अभी पाकिस्तान में एक चीज़ है जो आई थिंक इतनी खुली डुल्ली नहीं हुई, बट ये है कि आई मीन अवेयरनेस है. एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है, चलो ठीक है फिल्म इंडस्ट्री एक तरफ से बंद हुई, अब वो देख रहे हैं कि वो सारे लोग इस तरह घुस गए हैं, कैसा लगता है? उनका अपना एक कल्चर है, चीज़ें, और मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि कुछ चीज़ें गलत होना शुरू हो गई हैं, कुछ सही भी हो रही हैं, कुछ सही भी हो रही हैं, गलत भी हो रही है. मुझे लगता है ज्यादा सही हो रहा है, कम गलत हो रहा है. मतलब तो जो टैलेंट आ रहा है वो सारा लगता है उसका जो उधर आना था वो इधर आ रहा है. नहीं काफी नए लोग भी आ रहे हैं हमारे टीवी में, हमारी मॉडलिंग में, हमारे काम में, तो आई थिंक दैट इज आल्सो रियली नाइस. तो आई थिंक द गुड कम्स विद द बैड,
ये कभी ना सोचे कि गुड ही गुड होगा या बैड ही बैड होगा, बैड के साथ गुड होगा, गुड के साथ बैड होगा. नहीं, नई लड़कियां नहीं आ रही जो मतलब पहले अच्छे अच्छे घरों से आती थी, अब नहीं आ रही. अब आना शुरू भी हो रही हैं, जिस तरह के मैंने ए प्लस के साथ ही किया अपनी रैंप की रानी का सीजन वन. माशाल्लाह से ऑल दोज गर्ल्स आर वर्किंग अ लॉट इन आर इंडस्ट्री. और अभी हमने सीजन टू अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली, एंड वी आर कमिंग. अब ऑब्वियसली सीजन टू पे इसलिए आ रहे क्योंकि सीजन वन वाज अ सक्सेस एंड उन लड़कियों को काम भी मिला काम के अलावा. बल्कि नैटी ने मुझे ये भी कहा कि तुम मेरे प्रोग्राम में आओ. मैंने कहा अपनी जैसी कोई लड़की ढूंढोगे तो मैं आऊँगा. पता नहीं वो लड़की कहाँ मिलेगी. बहरहाल नैटी थैंक यू वेरी मच. लेकिन जाते जाते हम एक गाना इनसे जरूर सुनेंगे. ठीक है, हम गाना सुनने से पहले मैं कहना चाहूँगी खावर आपका बहुत बहुत थैंक यू. आपने मुझे बुलाया और इतनी इज्जत भी दी लिटरली, बिकॉज अभी तक तो कॉल नहीं आई थी, अब आई गई का हजार इंटरव्यू करके. बट दैट्स फाइन. बाकी लोग गिला करेंगे कि नैटी हमारे प्रोग्राम में नहीं आई थी. सीरियसली हजार इंटरव्यूज के बाद चले मैं याद तो आई ना कोई. anyway, बात थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. और अब हम उस तरह तबास का गाना सुनने वाले हैं. और थैंक यू. मेरे मां तेरे सिवा कौन मेरा है. कभी ना हो मैं जुदा तोड़ी ना साथ मेरा. जानिया